स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है अकबर का साला। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक सेविका ने आकर अंदर कहा कि जहां पना, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं, क्या उन्हें मैं अंदर भेज दूं? बादशाह अकबर ने कहा कि ठीक है, जाओ उन्हें अंदर भेज दीजिए। फिर बादशाह बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले कि बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी, तुरंत उन्होंने जहां पनाह को टोकते हुए बोला, आप भूल रहे हैं महाराज, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, तो वापिस से ठीक कर दो बेगम। तब बेगम ने जवाब दिया, सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। अकबर बेगम की बात सुनकर हंस दिए। अब इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करकर एक तरफ खड़ा हो गया। तब बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? साले साहब ने जवाब दिया, जहां पना, मैं लिवाने नहीं आया हूं, बल्कि एक अर्ज करने आया हूं आपसे। बादशाह अकबर ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। अब यह सुनकर साले साहब अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। साले साहब ने कहा कि हुजूर, एक मर्तबा आपने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई दूसरा व्यक्ति और ईमानदार बुद्धिमान व्यक्ति यदि आपको मिल जाए तो हम बीरबल की जगह उसे मंत्री बना देंगे। बादशाह ने कहा, बेशक। साले साहब ने जवाब दिया कि जहां पना, मेरी परीक्षा ले ली जाए और अगर मैं परीक्षा में ठीक साबित हो गया तो मेरा चुनाव बीरबल की जगह कर दिया जाए। अब बादशाह साले की बात सुनकर एक बार तो थोड़ा हंसे मनी मन, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खड़े उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी सेविका को एक कोयले की छोटी सी डली लाने के लिए हुक्म दिया। वह कनीज एक छोटी सी कोयले की डली को अच्छी सी प्लेट में रखकर बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तब बादशाह ने उस कोयले की डली को अपने साले साहब को देते हुए बोला कि साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले को 10,000 रुपये में बेच आओगे तो हम आपको बीरबल से ज़्यादा होशियार समझेंगे और यही आपकी परीक्षा होगी। यदि आप इस परीक्षा में पास हो गए तो हम बीरबल की जगह आपको मंत्री बना देंगे। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बेहद अफसोस के मारे मनी मन सोचने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी ना देगा, भला यह 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है, मैं इस परीक्षा को कब कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा ना करने के लिए मुझ पर ऐसा भारी जुल्म किया है। अब अकबर का साला बहुत मायूस हो गया। मनी मन सोचने लगा कि अब तो मैं इस राज्य का वजीर आजम कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि इस कोयले का कोई 10,000 रुपये क्या 1 रुपया भी नहीं देगा। अरे मैं क्या बीरबल भी इस कोयले की डली का 1 रुपया नहीं ला सकता है, क्यों ना यह बात मैं जय बादशाह अकबर के सामने जाके कहूँ। इस प्रकार सोच विचार करते हुए 3 दिन बाद बादशाह के सामने रोनी सी सूरत लिए हुए अकबर का साला पहुँचा और कहा, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ, इस कोयले के 10,000 रुपये कोई नहीं दे सकता, यह तो 1 पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लेकर चलिए, हम अभी आते हैं। अतः साले साहब दरबार में पहुंचे, तभी दरबारी उनको नहायत सुस्त देखकर उनकी सुस्ती का कारण पूछने लगे। तब साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। उसी समय बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी मामलों से खाली होकर बादशाह ने अपने साले साहब की ओर देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार में एक विशेष दरबारी को
को कोयले की डली को देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। वह विशेष दरबारी उस कोयले की डली को लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत हुआ। अब बादशाह अकबर उस कोयले की डली को बीरबल को दिखाते हुए बोले कि बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? बीरबल बोले, जितने में आप कहें हुजूर उतने में बेच दूं। अकबर ने कहा कि बीरबल, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। कहकर वो कोयले की डली बीरबल ने अपने हाथों में ले ली। तब बादशाह अकबर बोले कि बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फना फला जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से आकर बीरबल ने अब एक दर्जी को काली मखमल का ढीला कुर्ता पजामा और टोपी सीने का आदेश दे दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीकी से पिसवाया। और जब वह पिसते पिसते वो डाली सूरमे जैसी हो गई तो हुनों ने एक आलीशान जवाहरात की डब्बी में उस सूरमे को रखा। फिर उस डब्बी को एक सोने की डब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को बड़ी सी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार बीरबल ने उस सूरमे वाली छोटी सी डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रखा। तब डिब्बी को भी एक चमड़े की पेटी में रख लिया। इसके बाद बीरबल ने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने से और नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मुठ एकदम सोने की बनी हुई थी। और इतने में ही दर्जी कपड़े लेकर आ गया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह कीमती जवाहरात और नग जड़वा दिए थे। अब गले में बेस कीमती मालाएं पहन ली और कपड़े पहने हाथ में छड़ी लिए बीरबल। अब बीरबल ने उस कोयले की डली का जो सुरमा बनाया था वो उसे लेकर मुंबई पहुंच गए बेचने के लिए, जहां एक आलीशान सराय में जाकर एक आलीशान कमरे में जा ठहरे और शहर भर में एक अफवाह फैला दी कि बगदाद से एक ऐसा सुरमे वाला आया है जिसके पास एक जादुई सुरमा है, जिसे लगाने भर से ही उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं और उस आला दर्जे के सुरमे की एक सिलाई की कीमत 10,000 रुपये है। अब यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। अब हर आदमी अपने मरे हुए को देखने का ख्वाहिशमंद था। अब लेकिन चूंकि सुरमे की कीमत सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती, उड़ते उड़ते यह खबर एक धनवान सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने अपने नौकर को सूरमे वालों को बुलाने के लिए सराय में भेजा। अब नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास जा पहुंचे। अब उस सेठ के घर के आसपास जो मोहल्ले की भीड़ थी, बीरबल को देखकर सेठ के घर के आसपास काफ़ी भीड़ हो गई। अब वहाँ पहुँचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते हैं, अतः अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आ गए और वहीं एक कुर्सी पर बीरबल बैठ गए। अब लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। तब बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और फिर डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। सबसे अंतिम में वह छोटी सी सुरमी वाली डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं और नग देखकर प्रभावित हो गए थे। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, 10,000 रुपये लाइए और देखिए अपने मरे हुए बुजुर्गों को सुरमा लगाकर। सेठ जी ने 10,000 रुपये की मोहरें मंगवा कर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल कर रख लिया। फिर एक सीपी की बनी हुई सिलाई निकाली और सुरमे से लपेट कर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस जादुई सुरमे की एक और तारीफ यह है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपनी माँ बाप से ही पैदा हुआ हो, किसी और से नहीं। अब यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमे की सिलाई लगा दी और बीरबल बोले, कहो सेठ जी, आपको अपने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी ने थोड़ा सुरमा लगाकर आंखें थोड़ा टपटपाई और आंख बंद करते सेठ जी ने कहा। सेठ जी ने सोचा कि अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने मैं दोगला साबित हो जाऊंगा।
तो वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, मेरे बड़े बुजुर्ग सब ठीक ठाक हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा सेठ जी ने बीरबल से कहा। तब बीरबल ने कहा, अच्छा तो अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दे दीजिए जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपये देकर उस सुरमे को लगाया है और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ जी ने मजबूरीवश सनद लिखकर दे दी। बीरबल लौटकर बादशाह अकबर के पास आए और 10,000 रुपये बादशाह अकबर को हाथ में दिए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर पहचान कर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिरी तक सारा वृत्तांत सुनकर सेठ की लिखी हुई सनद को दिखा दिया, जिसे सुनकर और देखकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले साहब से कहा कि कहिए साले साहब, बीरबल की जगह आपको लेना है? बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया कि नहीं बताइए आप। साले साहब नीचे मुंडी कर खड़े हो गए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। धन्यवाद।